यहाँ के फरीदपुर गांव में एक निर्माणाधीन फैक्ट्री में रह रहे 8 लोग झुलस गए। दरअसल रसोई में खाना बनाते वक्त एलपीजी गैस का पाइप लीक हो गया, जिसकी वजह से कमरे में आग लगी और इन्हें चपेट में ले लिया। आनन फानन में आसपास के लोगों ने आग को बुझाया और घायलों को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरीदपुर गांव में अश्वनी खुराना की फैक्ट्री बन रही है। इस फैक्ट्री में मध्य प्रदेश से कुछ लोग काम करने आए हुए हैं। सोमवार को ममता खाना बना रही थी, इस दौरान एलपीजी का सिलेंडर लीक हो गया और अचानक से कमरे में आग लग गई। इसकी चपेट में ममता का पति उदयभान, पिता हल्के भाई दिलीप, चचेरा भाई पंकज, राजमिस्त्री प्रमोद, उसकी पत्नी उर्मिला, ईशांत और कार्तिक दो बच्चे आ गए। आग लगी देखकर आसपास के लोगों ने इनकी मदद की और आग पर काबू पाया। सभी को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जो 20-30% झुलसे हुए हैं। इस आग में सभी के 24,000 रुपए नकदी भी जल गई।